मैम सासन मैं गुजार है मैं हूँ अली शेर। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें उसे वेलकम। अगर आप देख चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जो मैं आज साथ आज न्यू कर बैठे हैं अली शेर बच्चा बैठा हमारे साथ। तो आज वीडियो भी थोड़ी क्रिकेट रिलेटेड, ये क्रिकेट का शौकीन भी बहुत इसलिए इसको ये इसको लेकर आए। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक टू सी 147 करोड़ व्यूवरशिप इन 5 डेज ऑन जियो चैनल। ओहो देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देता है रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल की 5 दिन के व्यूवरशिप देख करके पूरे टेंशन में है। तो आप लोग देखें और ये व्यूवरशिप के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं तो आप लोग भी देखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आईपीएल और पीएसएल की टीम्स का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा सवेरा? आईपीएल जो आपका अबू है ना, ऑफिशियली अबू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूवरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब उकात में नहीं रखता, इधर चिढ़ा के रखता है, इधर चिढ़ा के रखता है। पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गई है। जियो शर्मा का तो आपको पता होगा 147 करोड़ लोग 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे जितनी है, वैसे बड़ी बात है। बड़ा बड़ा बहुत बड़े नंबर्स हैं, इतने नंबर्स हम एक्सपेक्ट मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि नंबर्स इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस तरह के नंबर्स। जो ओपनिंग ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड है, जो वीकेंड में आपका ओपनिंग मैच गुजर गया, वीकेंड में उसके अलावा 2 डबल हेडर्स गुजर गए, तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 डेज। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है 147 करोड़, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा डिजिटल पहले नंबर्स आते नहीं थे। 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 डेज। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा। आईपीएल से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए, नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूं? मैं जबरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊं, कटकटाती रहूं कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। हम अपने आप को आपकी भी इज्जत है, हम इज्जतदार, हमारे अंदर हर चीज, हमें किस चीज की कमी है? इंडिया से नहीं खेल रहे तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है? जो पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जो बाकी बोर्ड्स पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई खाली आईपीएल से 2 से 3 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा लेता है। आखिरी 5 दिन यानी कि पहले जो 5 दिन है 147 करोड़ लोगों ने आईपीएल को सिर्फ जियो सिनेमा के ऊपर देखा है। वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए। तो किसी ने पत्थर मार दिया तो बीसीसीआई की बदनामी है, उस फ्रेंचाइज की बदनामी है। लोग जो है वो बैठ के बकवास करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, जी पीएसएल जो है वो बड़ा बेहतरीन है, भाड़ में जाए आईपीएल, ये करे वो करे। उन घंटों को मैं भी जवाब देने लगा हूँ। आईपीएल जो आपका अबू है ना, ऑफिशियली अबू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूअरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब उकात में नहीं रखता, इधर चिढ़ा के रखता है, इधर चिढ़ा के रखता है। अभी कितने को दिन हो गए यार, कितने को दिन हो गए आईपीएल को शुरू हुए? 4-5 दिन ही हुए हैं ना। 4-5 दिन में आईपीएल ने जो व्यूअरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूअरशिप हासिल की है। पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गई है। जियो शर्मा का तो आपको पता होगा 147 करोड़ लोगों ने 4 से 5 दिनों में वाचिंग दी है उधर, मतलब 147 करोड़ जियो सिनेमा के ऊपर लोग आईपीएल देख चुके हैं। 5 करोड़ प्लस लोगों ने उनकी ऐप डाउनलोड की है। उसके बाद अगर मैं दूसरी चला जाऊं स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे तो भाईजान उन्होंने 14 करोड़ लोग आईपीएल देख चुके हैं उधर, 147 करोड़ इधर देख चुके हैं। जियो सिनेमा पे 5 करोड़ प्लस जब वो ऐप डाउनलोड हो गई है जियो सिनेमा की। और घंटों बगैर तो कंजरों मुझे बता दो एक चीज, वो जो पीएसएल की बीमारी पड़ी हुई आपको, उसने कितनी को व्यूअरशिप हासिल की है? मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमें भी पता है कोई बंदा पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं रखता। और भाई जान टूटे पच्चे ग्राउंडों में आपने पीएसएल करवानी होती है, फजूल किस्म का क्राउड होता है उधर। इंडिया में भी मेरा ख्याल इस बात पर बात हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी आईपीएल खेलनी चाहिए, और आपके ख्याल में कोई मुस्तकबिल करीब में इस किस्म की चीज़ हो सकती है? और क्या वाकई ये फिर किसी भी लीग का हुस्न इससे ख़राब होता है अगर आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के बगैर खेलते हैं? यू नो दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द टू कंट्रीज। अब उसका कब होगा, कैसे होगा, बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, वो कोई होता है नहीं।
सो आई थिंक उसके ऊपर बहस या बातचीत करने का फायदा कोई नहीं है. व्हेन इट हैपेंस इट विल हैपन, हो जाएगा फौरन ही. तो बहुत लोगों ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को फर्क पड़ेगा. ठीक है, उससे फर्क पड़ा है. एक पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस गेन हो सकता था, फाइनेंशियल लड़कों के गेन हो सकते थे, बट दैट्स इट. कोई दुनिया उससे खत्म नहीं हो गई ना, खत्म हो जाती है, चल रही है क्रिकेट. उसके अलावा ही पाकिस्तान जीतता है, हमने उसके अलावा वर्ल्ड कप जीता है, T20 में हमारी अच्छी रैंकिंग है, हमारा प्लेयर नंबर वन है. आइडियल है, अच्छी बात है कि अगर आप जाएं और वो भी आगे इधर खेलें. ठीक है ना, खाली जाने जाने की बात ना करें, वो भी आगे इधर खेलें तो फिर ही मजा है. ऐसे खाली एक साइड का जाना भी क्या जाना है. पूरी दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, जबकि पाकिस्तान की डिमांड इन इंडिया पीपल सिक्योरिटी इशू हो जाएगी. भाई आप खुद सोचे, उनको मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान. क्या IPL में जरूरी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही हो? अब तो IPL एक ऐसा इवेंट बन गया कि दुनिया भर से लोग खेलने आते हैं. खेल ही आ रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसलिए अवॉइड करें. देखें, लेट्स फेस इट, एक तो आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं. पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए. दूसरी बात ये, जो जेन्युइन कंसर्न है उनकी, वो ये है कि अगर आपके वो अफरीदी को लेके जाते हैं, अफरीदी को खुदा न खासा किसी ने पत्थर मार दिया, पीसीबी एफर्ट क्यों कर रहा है? सुने, अगर देखो किसी ने पत्थर मार दिया तो BCCI की बदनामी है, उस फ्रेंचाइज की बदनामी है. उसके लिए वो स्पेशल गार्ड्स रखेंगे, मिलियन डॉलर खर्च करेंगे. PCB तो इसलिए पीछे लगा रहता है कि भाई PCB चाहता है कि हमारा प्लेयर वहां खेलेगा तो कल को फिर ये भी होगा कि टाइज भी रिज्यूम हो जाएंगे. साथ में प्लेयर्स का प्रेशर PCB के ऊपर है कि हमें वहां दिलवाएं. किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं. PCB तो एक्चुअली प्लेयर्स का स्पोक्समैन बन के कमाल जा रहा है. मेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी. हम तो जो मैंने जिस तरह से क्रिकेट खेली तो ऐसी खेली कि इनके साथ तो जो इंडिया के अगेंस्ट मेरी क्रिकेट होती थी वो एक डिफरेंट ही होती थी. इनको तो बाद में समझ आई कि मैं कर क्या रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, करता क्या था भाई. तो ये चीजें तो होती रहती हैं क्रिकेट में. और अभी हम जैसे बात कर रहे थे, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होने से दोनों फर्क. अब इंडिया लाजिम है, इंडिया के पास इतनी डिमांड, वो दुनिया से खुद टीमें आना चाह रही हैं हर प्लेयर. यानी कि इंडिया की IPL खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया. आई मीन जस्ट फॉर द मनी दे आर बाइंग एवरीथिंग विद द मनी. बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लुक वी आर सुपीरियर. ये वो तो ऐसी जगह जब आए तो मैं तो ये कहता हूँ यार, हमें इंडिया खेलता खेले मोस्ट वेल, नहीं खेलता भाड़ में जाए. तुमसे हम अच्छे हैं, वी आर बेटर क्रिकेटर्स, बेटर राइट. जबकि तुम इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बाद कुछ नहीं हो और तुम्हारे पास 1.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम 11 लड़के, तुम्हें मुसीबत होती है. मैंने ये बोला था, हमारे पास 18 करोड़ में था, हमारे पास डेली फास्ट बॉलर भी निकल रहे हैं, हद निकल रहे हैं, सारी चीज निकल रही है. तो दे कांट कंपेयर टैलेंट और हमको. अच्छा, आखिरी सवाल इसी इशू पे कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसमें अगर बोर्ड्स आपस में बात ना करें? देखिए, गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यही हर सेशन जो है ये खत्म हो सकती है. क्योंकि जब गवर्नमेंट उनकी मानती नहीं, जब आपको वीजा ही नहीं मिलेगा आप खेलेंगे कहां से? अच्छा, जैसे ही बुलाते ही नहीं है इंडिया का. हम अपने आप को आपकी भी इज्जत है, हम इज्जतदार, हमारे अंदर हर चीज, हमें किस चीज की कमी है? इंडिया से नहीं खेल रहे कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है. IPL से मुतालिक तमाम साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में जाना चाहिए, वहां पर खेलना चाहिए. नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर वो IPL में नहीं जा रहे? तो वाकई नुकसान हो रहा है या कोई जरूरत नहीं है? PSL हमारे पास है. एक शख्स अगर मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं कर रहा तो मैं क्या कहूँ? मैं जबरदस्ती जाके दरवाजे पे बैठ जाऊँ, खटखटाती रहूँ कि क्यों मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे क्यों नहीं बुला रहे? अगर BCCI ये नहीं चाहती, अगर IPL कमेटी ये नहीं चाहती कि होगी खत्म. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, वो बेवकूफ है कि जो PSL का मुकाबला IPL के साथ करते हैं. IPL हम रुखसार भाई देखते हैं कि भाई आम एक रूटीन वाइज मैच शुरुआत से होता है तो ग्राउंड खचा गच बड़ा रहता है और जितना जोश हर बॉल पर क्रेज है कि वो IPL का और मुकाबला PSL का करने लग पड़ते हैं. यार हमारे गंजे से टकले से हैं वो नजम सेट्टी जो अब बने PCB के दोबारा चैनल में पले भी थे. मियां दाद का सुना है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो हम मर जाएंगे. मैं कहता हूँ खत्म हो जाएंगे. इंडिया आपके साथ ना खेले तुम खत्म हो. हाँ जी, ये बात है कि इस वक्त ICCO को 80% जो फंडिंग हो रही है, जो एडवर्टाइजिंग उनकी
बिक रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की वजह से और इंडिया क्रिकेट बोर्ड की वजह से बिक रही हैं। अगर इंडिया क्रिकेट बोर्ड आज से वो खेलना बंद कर दे, फंडिंग देना बंद कर दे, तो आईसीसी का वजूद ही खत्म है। आईसीसी उनके बगैर खत्म है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन लीग यूरोप के बगैर खत्म है, इस तरह आईसीसी इंडिया के बगैर खत्म है। इंडिया आईपीएल ब्रांड भाई है। हमें तो चाहिए कि हमारे प्लेयरों को एंगेज करना चाहिए, हमें बोर्ड के साथ मिलकर बैठ के ये बातें करनी चाहिए कि हमें आईपीएल में अपने प्लेयर भेजने चाहिए। हाँ जी, हमें उनके चाहे मिन्नतें भी करनी पड़े, हमें प्लेयर को आईपीएल में खिलाने चाहिए। ये क्यों कौन की आवाज बोलते हैं कि भाई हम पीएसएल दुनिया की बेस्ट लीग हो? भाई वो जेल आदमी है जो ये बातें करता है कि पीएसएल कोई आईपीएल का मुकाबला कर कुछ कह रहे हैं कि 2023 में ये जो एशिया कप है इंडिया नहीं आएगा तो क्या होगा? अब भाई पाकिस्तानियों सुन लो, इंडिया नहीं आएगा तो आपको व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपकी देखेगा वो समझ ले कि अगर 70% लोग आपको नहीं देखेगा तो आपने कमाना क्या? पहले आपकी व्यूवरशिप कितनी है? तो भाई आपने अगर कामयाब टूर्नामेंट करवाना है तो फिर चार इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड व्यूवरशिप पीएसएल से ज्यादा कमाई कर चुकी है भाई। 147 करोड़, ये मिलियन नहीं है, 147 करोड़ में है। भाई भाई हम क्या किस सोच पर पड़े हैं कि हम इंडिया को भाई इंडिया एक ब्रांड है, उसकी जो आईपीएल है वो दुनिया की बेस्ट एक फुटबॉल की लीग के बाद अगर दुनिया में कोई ब्रांड है मानी जाती है, सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो वो इंडिया के आईपीएल है। अलीशेर बेटा भी मौजूद है हमारे साथ। अलीशेर क्या कहना चाहते हो आईपीएल के बारे में, पीएसएल के बारे में? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सा पीएसएल है वो बिल्कुल एक खटारा से ग्राउंड होता है, और आईपीएल की इतना वीआईपी उतना ग्राउंड, पीएसएल की इतना घटिया और बिल्कुल खराब होता है। व्यूअरशिप के बारे में जो देखने में लोग पीएसएल को कम देखते हैं, पीएसएल थोड़े से होते हैं, जो आईपीएल में होते हैं वो भाई ग्राउंड फुल बड़ा होता है, बाहर भी कुछ होते लोग, और मैं पीएसएल में सीटें खाली होती है जिधर देखें। पीएसएल में देखते थे फाइनल मैच में, फाइनल मैच में ऊपर जो फ्लोर थे वो खाली थे। तो आईपीएल में मैं एक वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो करने जा रहे हैं वो महेंद्र सिंह धोनी पर नहीं बोलना चाहेंगे, वो वीडियो बाद ये भाई तो खचा खच स्टेडियम मैं हर मैच देखता हूँ कि भाई इसका मुकाबला यार पाकिस्तान के अंदर भी आईपीएल देखने वाली बहुत बड़ी तादाद है, पीएसएल से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर देखे जाने वाले आईपीएल है। हम मोबाइल पर या हाईलाइट्स देख लेते हैं, हमारे नेशनल टीवी पर आईपीएल को दिखाने पर पाबंदी है, कोई भी केबल पर नहीं दिखाई जाती, तो भाई उससे ज्यादा जो पूरे इंडिया के बाद इंडिया पाकिस्तान में देखी जाती है आईपीएल। तो हमें तो ये बोर्ड को तो देखना चाहिए उसके साथ दुश्मनी बजाय कि हमारे जो प्लेयर और भाई इनका खाना उधर से आना है। भाई आज तक हमारे सारे प्लेयर की ख्वाहिश है कि हम इंडियन लीग खेले। हाँ जी। और हमें पैसे करोड़ों रुपए मिले। तो हमारे जो हर जो बड़े क्रिकेटर है वो बोलते हैं इंडिया हमसे नहीं खेलना चाहता तो हम मर जाएंगे। भाई तुम राजा जुवेद मियां दाद नजम सेठ ने अभी को बयान हालिया दिया कि हमें इंडिया के साथ क्रिकेट को बहाल करनी चाहिए, वो अच्छा खुश आइंद है, बुरी बात नहीं है, बड़ी शानदार थी वीडियो, और इंडिया की 147 करोड़ 4-5 दिनों में व्यूवरशिप पर उनको मुबारकबाद भी है, और इस तरह फूलते फैलते रहे बढ़ते रहे, और ये क्रेज ही है और ये उनके अपना ब्रांड है और दुनिया इस पर उनको खराज तहसीन भी दे रही है। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।